नमस्कार साथियों, आज की हमारी वीडियो बजाज चेतक के ऊपर है। बजाज चेतक का डाउनफॉल क्यों हुआ, आज उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, चेतक अगर आप 90 के दशक के दौरान आपका जन्म हुआ है तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि चेतक की क्या वैल्यू थी उस समय। 1972 में चेतक की शुरुआत की गई थी, जो पहला स्कूटर बना था। ये बेसिकली जो बजाज कंपनी है, ये डेवलप तो 1945 के आसपास ही हो गई थी, बट इनको लाइसेंस मिला था टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर का 1958 या 59 में। तो पहले ये इंपोर्ट करते थे विदेशी जो स्कूटर थे उनको इंडिया के लिए, बट धीरे धीरे इन्होंने अपना खुद का डेवलप करना शुरू किया। इन्होंने इटली की पियाजियो कंपनी के साथ हाथ मिलाया और पहला स्कूटर उतारा इन्होंने चेतक, जो इटली में ऑलरेडी सेम कॉन्सेप्ट का स्कूटर था, बट उन्होंने इंडिया में इसको डेवलप किया उससे कोलैबोरेशन करके पियाजियो कंपनी से। और इसका चेतक नाम महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के नाम पे इसका नाम चेतक रखा गया। और ये देखते ही देखते इंडिया की पसंदीदा स्कूटर बन गई। उस दौरान इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए 1990 के बाद मार्केट में और भी लीडर जैसे ये हीरो होंडा, CD100, राजदूत, उस समय इनका भी काफ़ी लोगों में काफ़ी प्रचलन था, बट इनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं थी, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ये जो आप चेतक देख पा रहे हो, ये 145 cc का था। लगभग कंपनी क्लेम करती थी कि ये 62 की माइलेज देता है, 4-speed 2-stroke इंजन था, तो 1 घंटे में लगभग 90 किलोमीटर तक रन होता था की एवरेज दी, मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर तक की रेंज थी इसकी। तो उस समय ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ था। एक कई बार तो आपने देखा होगा कि एक पूरी फैमिली बैठ के चली जाती थी इस पे, तो अपने ज़माने का काफ़ी फेमस स्कूटर था। इसकी बढ़ती हुई डिमांड इतनी 80 के दशक में इतनी पॉपुलर हो गई ये कि लोग दहेज में स्कूटर देना भी एक स्टेटस सिंबल मानने लग गए थे कि दहेज में दिया जाए। देखते देखते इसकी सेल जैसे बूम हुई, तो इसकी जो बेटिंग है लगभग 10-10 साल तक रहने लग गई। जो कस्टमर आज बुक करवा रहा है उसको 10 साल तक की वेटिंग दी जा रही थी कि 10 साल बाद ले लेना। इसके चलते इसका ब्लैक मार्केट में भी, मतलब ब्लैक में भी धांधली बहुत हो रही थी, डबल ट्रिपल रेट पे स्कूटर बेचे जा रहे थे। ऐसा हम कह सकते हैं कि उस ज़माने में मार्केट लीडर था चेतक, मीन्स द स्टेटस ऑफ द सिंबल ऑफ स्टेटस, परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी इन्होंने स्कूटर रखा हुआ। धीरे धीरे अब हम जानेंगे कि इसका डाउनफॉल क्यों हुआ। देखिए, हाँ मान सकते हैं कि अपने समय में था ये समय का ये बहुत बड़ा खिलाड़ी था ये स्कूटर, बट धीरे धीरे जैसे हीरो होंडा ने CD100 और बाकी कंपनियों ने, यामा ने RX100 उतार दी, वो गाड़ियाँ इतनी कॉम्पैक्ट थी कि एक तो अफोर्डेबल थी, पर उनकी जो माइलेज थी बहुत अच्छी थी, टॉर्क पावर अच्छी थी और लुक भी उसका एस्थेटिक बहुत अच्छा था। उन सबको देखते हुए बजाज ने भी ट्राई किया कि क्यों ना मोटरसाइकिल सेगमेंट में हाथ डाला जाए। तो इन्होंने भी जापान की कावासाकी के साथ मिलके KB नाम की एक बाइक उतारी थी। अभी आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे, आप इसको वैसे तो जो चेतक है इसको 2006 में कंपनी ने गिरती हुई मार्केट देखते हुए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि 2004 में इन्होंने 4-stroke इंजन भी उतारा था जो कि इतनी सेल कर नहीं पाया, 2-stroke से अपडेट किया था, 145 cc का इंजन था, बट 2006 में इसको डिसकंटिन्यू किया। 2019 में फिर इलेक्ट्रिकल वर्जन इसका उतारा गया जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बट ये भी 1.5 लाख की कीमत में था, बट इसके लुक्स को आप देख सकते हो कहीं से भी पुराने चेतक की तरह अपील नहीं कर रहा है कस्टमर को। तो इस ख़राब डिज़ाइन की वजह से एक बार फिर से चेतक मार्केट में पिट गया, बट जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, अगर चेतक को समय के साथ अपडेट किया जाता है तो आई थिंक कि उस समय के हिसाब से, जैसे हीरो की स्प्लेंडर ने बहुत अच्छी मार्केट कवर की हुई है, वैसे चेतक भी एक ब्रांड था,
तो अगर उस नज़रिए से बजाज फोकस करती तो आई थिंक ये बहुत बड़ा ब्रांड होता। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।